रियलमी जी टी न्यू टू एन ई ओ न्यू टू, ठीक है। रियलमी का अराउंड 10 दिन पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी लेट हूँ, यानी कि 10 दिन लेट हूँ, ठीक है। तो आप सबको मैं बता दिया क्यों, क्योंकि सेटअप पर अभी तैयारी चल रहा है, इस वजह से वीडियो जो है थोड़ा लेट हो रहा है। बट रियलमी का ये फ़ोन एक इंटरेस्टिंग फ़ोन आया है, अराउंड 31,000 या 32,000 में जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है। नाम जो रखा गया है रियलमी जी टी, यानी कि जी टी सीरीज में आता है, बट इसका नाम जो है न्यू है, मतलब न्यू तो बोल नहीं सकते, एन ई ओ है, ठीक है, एन डब्ल्यू एन ई डब्ल्यू नहीं है, न्यू मतलब न्यू न्यू इसे बोल सकते, ठीक है। रियलमी जी टी न्यू टू, टू नाम रखा गया, अभी वन कहाँ है पता नहीं, ठीक है। तो रियलमी जी टी न्यू टू नाम रखा गया, जो कि 5G एडिशन के साथ देखने को मिलता है, एंड हमें अराउंड जो है इसका प्राइस इंडिया में देखने को मिला है 32,000। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हो, यानी कि ये फ़ोन खरीदते हैं, तो आपको इंस्टेंट जो है 3,000 का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड है, यानी कि बड़ा बड़ा जो बैंक है, हर एटीएम कार्ड जो है सपोर्टेड है फ्लिपकार्ट पर। अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड से, SBI या बहुत सारा बैंक है, अगर आप उससे इस फ़ोन को ख़रीदते हो, तो आपको डायरेक्ट जो है 3,000 रुपया जो है माइनस हो जाएगा, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो अभी मैं देखा हूँ इस स्मार्टफोन तो आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन आएगा तो ऑफर का काफ़ी इस्तेमाल होगा, ठीक है, मतलब आप सब करिएगा। तो आज इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, रियलमी जी टी न्यू टू के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा इस फ़ोन के बारे में, लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। लुक डिज़ाइन जो हमें देखने में लगता है वन प्लस के फ़ोन के जैसा, ठीक है। वन प्लस के काफ़ी सारा स्मार्टफोन है जिससे जो इसका लुक थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। बट इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का जो है सेटअप दिया गया है, येलो कलर में ये जो फ़ोन आता है, मतलब उसे पीला नहीं बोल सकते, हरा जो है ग्रीन भी है, वो कलर हमें काफ़ी पसंद आया, काफ़ी, ठीक है। और डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, ये आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, डेयर टू लिव का एंड रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपको जो मटेरियल देखने को मिलता है फ़ोन का, बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक ही देखने को मिलता है, ग्लास देखने को नहीं मिलता है, बट ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। अब डिस्प्ले की बात करूँ, उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो करेगा। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है 6.62 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, एंड आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, एंड रिफ्रेशिंग रेट तो हाई रहेगा ही, यहाँ पर आपको 120 Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन डिस्प्ले में कुछ खास बात है जो कि बाकी सारा डिस्प्ले में नहीं होता है, जैसे कि आपको अराउंड 1300 नीट्स जो है ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी हाई ब्राइटनेस है, 1300 नीट काफ़ी हाई होता है। एंड अगर आप इसे सनलाइट में डायरेक्ट ले जाते हैं, यानी कि बाहर ले जाते हैं, तो आपको जो है फ़ोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी ब्राइटनेस आपको दे देगा। एंड कुछ इसमें टच सैंपल भी है, काफ़ी हाई है, यानी कि 600 हर्ट्ज़ का जो है टच सैंपल है, जो कि जीरो टाइम कहलाता है, यानी कि आप टच करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा फ़ोन आपका काम कर गया, जीरो टाइम है, 600 हर्ट्ज़ का जो है टच सैंपल है, जो कि डिस्प्ले में काफ़ी खास बात हो जाता है, ठीक है। डिस्प्ले के लिए ये फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं, या डिस्प्ले के लिए फ़ोन कहूँ तो काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो हो सकता था बाकी सारे लोग का ये कहना है कि अगर क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 888 आ जाता तो काफ़ी अच्छी बात हो सकता था, बट जिस प्राइस के साथ ये फ़ोन देखने को मिलता है 32,000 में, उस प्राइस के साथ हमें नहीं लगता कि वो प्रोसेसर आ सकता था, क्योंकि क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, बट उसमें जो थोड़ा कमी भी है, क्योंकि अगर आप उस फ़ोन पर गेमिंग करते हैं हाई वाला गेमिंग, तो 5 मिनट बाद फ़ोन इतना गर्म होता है कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, बट वो बात अलग करते हैं। इस फ़ोन में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, आपको चिपसेट जो देखने को मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का जो है पावरफुल प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर की मैं पावर की बात करूँ, तो यहाँ पर 3.2 GHz पर जो है लॉक है प्रोसेसर, जो कि काफ़ी हाई पावर के साथ आपको गेमिंग करा देगा, फ़ोटो क्लिक करवा देगा, या अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं इस प्रोसेसर पर, इस फ़ोन पर, तो कोई भी कमी आने वाला नहीं है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है, एंड 3.2 GHz पर जो है लॉक प्रोसेसर है,
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, स्मूथ परफॉर्मेंस दे देगा। हमें जहाँ तक लगता है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 से भी बेटर परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर के साथ मिल सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं परफॉर्मेंस के लिए, इसका हाई जो मतलब कि हाईलाइट है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, ठीक है, परफॉर्मेंस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो गेमिंग के लिए, क्योंकि सीरीज में आ रहा है, GT सीरीज में आ रहा है, तो गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो गेमिंग में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, मैं कसक कर रहा हूँ, मतलब कि ज़्यादा दम्स लगा के बोल रहा हूँ, कोई भी कमी नहीं आएगा। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन हैंग वगैरह मत हो, तो आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैटरी के, तो आपको नॉर्मल सी बात है कि 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। वहीं पर रियलमी अब हर एक स्मार्टफोन में 65W का एक फास्ट चार्जर दे ही देता है, जो कि हमें लगता है काफ़ी अच्छी बात है। एंड कैमरा के बारे में बात करो तो इसमें जो है नॉर्मल सा कैमरा दिया गया है, क्योंकि हमें ये फ़ोन 32000 में देखने को मिलता है, बट वहाँ पर हमें रियर में जो है 64MP का एक कैमरा देखने को मिलता है, 8MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, एंड 2MP का जो कि कोई काम का नहीं रहता है, देखने को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। बट जिस प्राइस के साथ आता है 32000 में, अराउंड अभी के समय में 22-23000 में हमें 108MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इस फ़ोन में जो है कैमरा जो है मेन हाईलाइट नहीं है, कैमरा जो है मेन हाईलाइट नहीं है, मतलब कि इस फ़ोन का मेन मकसद जो है गेमिंग कराना है, परफॉर्मेंस देना है, एंड गेमिंग में ज़्यादा जो है इस फ़ोन का मकसद है, मतलब क्या बोलूँ, गेमिंग के लिए ज़्यादा ये फ़ोन बना हुआ है। तो कैमरा में ज़्यादा फोकस नहीं किया ब्रांड, जो कि एक थोड़ा सा गलत बात लगता है, लेकिन ब्रांड का को भी देखो तो वो गेमिंग के लिए फ़ोन निकाले तो गेमिंग के लिए निकालेगा, ठीक है। तो ये फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन है, तो कैमरा इसमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल सा कैमरा है। 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है पंचहोल में, ठीक है। अब ये सब बात हो गया, 5G सपोर्टेड है, तो आप 5G को जब आएगा तो यूज कर सकते हैं। एंड और मैं बात करूँ इस फ़ोन में, तो टाइप सी पोर्ट है, आपको शायद 3.5mm का यूजर मिल जाएगा, मैं देखा नहीं, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। तो अराउंड अगर भी इस फ़ोन को लेते हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, पता नहीं कब आएगा, और अभी अगर आप ले लिए होंगे या अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर किसी का भी डेबिट कार्ड यूज करके, यानी कि ATM कार्ड का यूज करके आप ज़रूर शॉपिंग करिएगा, तो आपको 3000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस फ़ोन पर, जो कि काफ़ी फ़ायदा वाली बात है, ठीक है। तो अराउंड काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, ठीक है, सेटअप अब कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।